देखो जैसे भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, भाग मोदी भाग, भाग मोदी भाग, भगा भगा कर घेरेंगे उसको, छोड़ेंगे थोड़ी। गंदी जनता पहचान नहीं करती। तब मैं पहले कहता था मोदी गंद है, राहुल गांधी गुलकंद है, माने नहीं ना। हरे मोदी बने बने मोदी मोदी मोदी, अब लगा ना मोदी का पता। फिर इस आंदोलन से जागरूक नहीं हुए क्या लोग अभी तक? हाँ, जागरूक होना चाहिए। मैं तो कहना इसको एक वोट भी ना डालो। हमारे गांव में एक मेंबर खड़ा हुआ था, उसके उसने डब्बा रखा था, बेल्ट पेपर से पड़ते थे वोट। एक वोट तो कहना मेरा डब्बा भर गया, जब वोटें निकाली तो निकली वोटें दो। कहना एक तो मेरी है, ये दूसरा कौन गया? वो हाल होगा मोदी का अगर बेल्ट पेपर से वोटें डाले ना, इस को एक भी वोट ना पड़े। पर बाबा सर्वे तो कह रहे हैं मोदी लहर है अभी देश में। हाँ, मोदी लहर है, मोदी को पसंद करती है देश की जनता भी। पसंद करती है? हाँ, सर्वे तो ऐसा बता रहे हैं। तो कीड़े पड़ेंगे मोदी को। मोदी को? हाँ, मोदी की क्या गलती है इसमें जब जनता पसंद कर रही है तो? हैं? हाँ, गंदी जनता पसंद कर रही है। हमारे एक मन का गीता है, कहना कीड़े पैणगे मरेंगी सप लड़के, मित्रां नूं धोखा देनी नी कीड़े पैणगे, नी कीड़े पैणगे। जब राष्ट्रतंत्र का कत्ल कर दिया इसने, कातली नहीं है, दो दो सालों की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, भाई बहन का, भाई बहन का, बेटा बाप का, माँ बाप का, बाप बाप दी का, और खुदकुशियां हो रही, बुरा हाल हो रहा, कोई राज हुआ इससे? तो क्या मोदी सरकार कोई तब किसके सही है? होते थे यहाँ से पहले भी होते थे दुष्कर्म तो पहले? इतने नहीं होते थे। कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी मराओ हो रहा। सुरक्षा नहीं है बेटियों के लिए? कुछ भी किसे के लिए सुरक्षा नहीं है। लेकिन उन्होंने तो वो बजाई थी ताली थाली। हैं? ताली थाली बजाई थी। हाँ, थाली बजाने से कोरोना भागता है क्या? पटाखे बजाने से कोरोना भागता है क्या? हैं? आपने नहीं बजाई क्या ताली? ना, हम बजाई, हम तो मोदी को बजाने वाले हैं। अच्छा जी। हाँ, कणक काट रहे थे, देख कैसे भगा भगा के उसका करते हाल, बुरा हाल। भाग मोदी भाग, भाग मोदी भाग, भगा भगा के मरेंगे। वो 56 इंच का सीना बताते हैं लोगों का। 56 इंच का सीना, 56 कई छप्पन मरब, कई छप्पन मरबों की जमीन खाना चाहता है हमारी। और एक क्या नाम उसका, ये नहीं नहीं पत्रकार था विजय कुमार। अच्छा, का वो अरुण गोस्वामी? नहीं नहीं विजय कुमार, पता नहीं कौन सा। रमेश कुमार? हाँ रमेश कुमार। वो बोला अभी किसानों की आय कितनी है? कहना किसानों की आय 8,000 और दुगनी कितनी होगी, आय दुगनी करने, कहना 16,000। तो किसान की फसल कितनी होती है साल की? 50,000 तो मानो ही, 30,000 फिर गवर्नमेंट खाएगी एक एकड़ का, है भाई? बाकी फिर किसान क्या खाएगा? 16,000 तो दुगनी आय करेंगे, बाकी 30,000 एक एकड़ का गवर्नमेंट रखेगी। आपके आंदोलन से सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, टच से मच हो नहीं रही है, आपसे अब बातचीत भी करनी बंद कर दी, आपको तो छोड़ दिया है सही। क्या? हाँ, कैसे कहाँ बातचीत कर रही है सरकार आपसे, आपको तो ऐसे छोड़ दिया, पड़े रहो पड़े तो सड़कों पड़े रहो। बताएंगे ना, अब बताओगे मिट्टू बने में खानी कुंडियां ने सिंह फंस गई बोकते से बना तो बाजी। अभी समय आने देना, संसद भवन में जाएंगे। अब तो कैसे संसद भवन में जाएंगे, जाके क्या करो वहाँ? वो राकेश पैत वाला कोल्लू नहीं है? हाँ, वो उठा के जाएंगे। और मेरे गांव में पुदीना होता है, पहला गिलास मसाला मसाला डाल के मोदी को जूस का पिलाएंगे। यहाँ चल नहीं रहा आपसे कोल्लू, वहाँ चलाओगे? वहाँ चलाएंगे, वहाँ चलाएंगे। हमारे महबूब ने तो राकेश कैद कहते हैं, हम पनीर वहाँ बेचेंगे, सब्जियाँ वहाँ बेचेंगे, कणक वहाँ बेचेंगे, हम जूस का कोल्लू भी वहीं चलाएंगे। तो वहाँ कौन सा बाजार, मंडी थोड़ा ही लग रही है? मंडी खोल रहे हैं, अंदर बैठा है वो कहता जहाँ मर्जी बेचो तो हम बेचेंगे। पाजी आपको नहीं लग रहा कि अब किसानों में निराशा सी पैदा हो रही है? क्या निराशा पैदा हो रही है किसानों में कि नहीं मानने के मोदी जी सरकार ने? चलो घर को, घर को क्यों जाएंगे? या जित के जावांगे या साडियां लाशां जानगियां, या जित के जावांगे या साडियां लाशां जानगियां। तरीका क्या है जीतने का? झूठे के सच है, किसान नहीं है आटे का। तरीका क्या है जीतने का? हैं? तरीका संसद बनूंगा। क्यों आप पहले गए लाल किले पर? पहला नहीं, अब जाएंगे। 26 तारीख को नहीं गए थे आप? वो गलती होगी सी मारे से, वो हमारे से गलती होगी थी। अब गलती नहीं होगा, हम गलती से वो दोहरा लिया ना, अब नहीं होगा। वो षड्यंत्र था, गलती भी नहीं। हाँ, कुछ भी था वो, चाहते किसी मोदी से बांग्लादेश गए थे
कह रहे मैंने बांग्लादेश की आजादी में सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उसमें मैं जेल गया था। मोदी जी जेल गए थे बांग्लादेश की आजादी के लिए, जब चाय बनाने वाला था तब गया था। चाय का काम बनाता था 20-21 साल स्टेशन पर, मैं स्टेशन पर बनाता तब गया होगा जेल में। नहीं कह रहे 20-21 साल का रहा हूं। नहीं वो कौन सा बंगला बनाना चाहते थे, सुनार बंगला? अपना बंगला बनाना चाहते सुनार बंगला, या अंबानी का या अडानी का या माले का या दिव्य मोदी का या इनका, अरे सारे देश का भट्ठा बैठा दिया। मीडिया तो यही कह रहा है, मीडिया गोदी मीडिया है सीधा हुआ, कहीं तू तो नहीं है गोदी मीडिया है? क्या लग रहा है मेरे को तो यही लगता है। इतने नफरत क्यों होगी गोदी मीडिया मीडिया का वहाँ पर? आपका ऐसा नहीं हुआ। अरे हम तुम बोलो ना, आप बोलो, मैं बोलता हूँ किसान एकता, तुमको क्या जिंदाबाद, हम बोले किसान एकता, बोलो जिंदाबाद। जिंदाबाद खुल के नहीं बोला, दोबारा बोल दो, दोबारा खुल के किसान एकता जिंदाबाद नहीं बोला। देखो ये गोदी मीडिया है, कहाँ है, कहाँ है किसान एक? अरे जी काम का समय है भाई, अरे बोर्डिंग लग रही है, किसान नहीं है एक, कहाँ है सारे, कहाँ है जी, जाके उधर देख, सरदार बीएम सिंह तो चले गए, उधर जाके देख, अरे एक, अरे ठीकरी बोर्डर जाके देख, सिंगू बोर्डर जाके देख, छोड़ के चले गए पाजी, कहाँ छोड़ के, अब कनक नहीं काटनी क्या, कनक नहीं काटनी क्या, वो तो पहले चले गए, कहाँ पहले चले गए यार, ऐसे आता जाता है, अब घर के काम भी तो करने होते हैं। वो तो कह के गए कि रास्ता भटक गए किसान आंदोलन से। अरे किसी के कहने का की होता है, ये मोदी एक मेरे को फौजी बोल रहा था कि किसान तो चले गए, मैं तेरे को किसने बोला किसान चले गए, मैं कहा मुड़ के ना बोली, मैं तेरे को गवर्नमेंट ने कहा होगा, कहना सर जी मेरे से गलती होगी, तो गए नहीं है किसान है? गए नहीं है, गए कहाँ किसान, उससे माफी मंगाई मैंने, उसको भी मैंने सुनाया मां जा जितने जावांगे या सारी लाशां जान गया, फौजी को भी हाथ जड़ाई माफी मंगाई। अच्छा जी, हां बात बनेगी कैसे ये तो बताओ, बनेगी ना सहज पक्के समेट हो सरकार के पास कोई रास्ता, अरे जीत हमारी है पाजी, वही बात है जीत अपनी मनाते रहो, पर मनी तो नहीं ना, अरे हो जाएगा ना एकदम, कैसे हो जाए, कितना समय लगेगा, भी है कितना समय और लगेगा, समय समय लग जाएगा जब इसने गंद पाया हो, जैसे पंजाब में उनको 20 सीटें मिली थी, सब भगवंत मान को पूछा भी आपको 20 सीटें मिली, कहता कई बार गंद इतना हो जाता है कि दो बार सफाई करनी पड़ती है। सही है ना, भगवंत मान के भाषण बहुत वायरल होते हैं। हाँ वो कहता मैं मान हूँ मान, अगर मैं अपने आप को मान ना कहूंगा तो मेरे को मान कौन कहेगा, हैं? वो कहता भी इतना गंद, अकाली दल चला गया, कांग्रेस के भी पीछे वो पंजाब से यूपी से, हाँ हरियाणा से, कांग्रेस की मुक्ति, कांग्रेस अकाली दल की छुट्टी कराई, उसकी 20 सीटें आगे, कहता कई बार गंद इतना हो जाता है तो झाड़ू दो बार लगाना पड़ता है, कहता सुखबीर बादल, कहता प्रकाश सिंह बादल नू ऐसे ही नहीं पता, कहता ये सुखबीर बादल मेरा पोत है, वो कहता पोती है और की तरह, कहता ये पोत है मेरा, उसको इतना नहीं पता मैं मेरा बेटा है तो मेरा पोत है, ऐसे थोड़ी कहते बेटे को, कहता पोत नहीं तेरा पोत है, कहता फिर जब हेलीकॉप्टर या तो सुखबीर बादल का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे, अगर उतर गया तो चढ़ने नहीं देंगे, अब ये हाल होगा इनका, चलिए ठीक है, भाजपा वालों का, भाजपा सरकार को मैं कहता हूँ, सबको मैं बेनती करता हूँ इसको एक भी वोट ना डाले, और ईवीएम मशीन पर आंदोलन चलाना है, ईवीएम मशीन बंद करा के और वो बेल्ट पेपर पर चालू करा के फिर आए मैदान में, मोदी एक भी वोट पड़ जाए तो मेंबर भी बन जाए तो मैं लिख के देता हूँ।